गाइस, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका इंदु बजाज ब्लॉग्स में। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे टॉप बेस्ट परचेजेस जो मैंने परचेज किया और जो मेरे डेली रूटीन में मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये है मामाअर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक विद एवोकाडो एंड विटामिन ई कार्नेशन न्यूड शेड है 01। तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट है लिपस्टिक जो थोड़ी सी टूट गई है, गिफ्टेड बाय डॉल। और इसकी शेड इतनी अमेजिंग है ना कि मैं इसको डेली यूज कर रही हूँ। मेरी सारी लिपस्टिक साइड पे हो गई है, मैं बस सिर्फ एक इसको यूज कर रही हूँ। चाहे पार्टी में जाना हो, चाहे सत्संग में जाना हो, चाहे किसी के घर पे जाना हो, तो मस्ट ट्राई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार ट्राई जरूर करना। और शेड मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। सेकेंड जो मेरी लिस्ट में है वो है सेटाफिल का ये मॉइस्चराइजर। और ये मस्ट है, आपकी स्किन कैसी भी, अगर ऑयली भी है ना तो भी आपकी स्किन को मॉइस्चर चाहिए होता है। और ये मेरे को बहुत लेट समझ में आया है। तो स्किन केयर में एवरी टाइम जब भी मैं फेस वॉश करती हूँ सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। ये जो मॉइस्चराइजर है ना, पहले तो मतलब मैं बता दूं कि ये कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है, आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स दिख ही जाएंगे। और ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजर इतना अच्छा, इतना स्मूथ है कि आप लगाएंगे इंस्टेंटली आपकी स्किन में मर्ज हो जाएगा और मेकअप को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करा देता है। और डेली रूटीन में आपको ये लगाना ही चाहिए, तो आप एक बार ट्राई जरूर करना, वर्थ बाइंग है। तो मेरी लिस्ट में थर्ड जो है वो ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। आप देख सकते हो ये ब्रश कह लो या एक्सफोलिएटर, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है इसकी, एक्सफोलिएटर। और ये इसमें एप्लीकेटर है। मैंने सुबह ही इससे ना ऑरेंज पील को ग्रेट करके अपना स्क्रब रेडी करके और उससे स्किन पे मसाज की थी, तो ये डेड स्किन को रिमूव कर देता है। ये इजी टिप है, आप ऑरेंज पील्स को फेंकिए मत, उनको ग्रेट करके और उससे मसाज कर सकते हैं, बहुत ही ग्लोइंग स्किन हो जाती है। तो ये देखो, दो साइडेड है ये और सबसे सस्ता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मुझे पता नहीं है, भूल गई हूं मैं, लेस देन 50 है या 50 का ही है, बस इससे ऊपर नहीं है। तो ये वर्थ बाइंग है। फोर्थ जो मेरी लिस्ट में है वो है एंड का एच रियल ड्रीमर परफ्यूम। ये थोड़ा सा कॉस्टली है अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट परचेजेस लिस्ट, उसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आई गेस सबसे कॉस्टली यही होगा। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब जो भी परफ्यूम के दीवाने हैं जिनको परफ्यूम्स का बड़ा शौक है तो एक बार ट्राई जरूर करना। लॉन्ग लास्टिंग इसकी फ्रेग्रेंस और माइल्ड है बहुत ज्यादा ना, बहुत ही अच्छे वाला है, ये मेरा फेवरेट है। फिफ्थ जो मेरी लिस्ट में है वो आपको दिख ही रहा है, ये है ज़ूप का बैग। ये बहुत ही स्पेशियस है और ये 100% वीगन लेदर से बना है। और जो इसमें प्रिंट है वो बहुत ही अलग अलग कलर्स में मतलब आपको अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि एक ही उसमें है। फैब्रिक इसका बहुत ज्यादा अच्छा है और स्पेशियस ये बहुत ज्यादा है। क्या क्या इसमें आ जाता है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ज़ूक ऑफिस बैग में कितनी पॉकेट्स हैं और कितना स्पेशियस ये है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लैपटॉप पॉकेट, जिसमें आप अपना लैपटॉप इजीली कैरी करके ऑफिस ले जा सकते हैं। तो मेरे पास आईपैड है तो मैंने वो कैरी किया हुआ है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे अपना शेकर रखा है जिसमें मैं घर का पानी अपने साथ रखती हूँ। फिर कुछ बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे दो पॉकेट्स हैं, इसमें से एक में मैंने अपना फ़ोन रख दिया है, एक में आप चार्जर या फिर कुछ स्नैक्स रख सकते हो। और फिर दो पॉकेट्स हैं जिसमें पेन्स या पेंसिल आप रख सकते हो और कुछ खाने का सामान भी आप कैरी कर सकते हो इजीली। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, यूट्यूब पे इनका अलग से एक चैनल है ज़ूप के नाम से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां आपको अलग अलग पैटर्न्स मिल जाएंगे और ये जरूरी नहीं है कि मतलब यही एक पैटर्न है, यही एक कलर है, अलग अलग कलर्स में अलग अलग पैटर्न्स अवेलेबल है, आप अपनी चॉइस का जाके देख सकते हो। मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं ट्रैवल के लिए, मतलब अगर आपको बैग चाहिए ना तो आप इस एक बैग में ढेर सारा सामान डाल के जा सकते हैं, तो इसीलिए मेरा फेवरेट है। तो जैसे हम ब्लॉग वगैरह भी करते हैं तो इसमें कई बार क्या बोलते हैं ट्राइपॉड वगैरह भी आ जाता है और फोन सब कुछ आ जाता है। ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मतलब बजट में आने वाले हैं, बजट फ्रेंडली हैं सारे और डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरा फेवरेट बॉडी बटर और ये है वैदिक नेचुरल्स का बॉडी बटर। अगर आपकी स्किन ड्राई है ना तो ये मस्ट बाय है, ये 24 आवर्स तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और आप इसको नहाने के बाद अप्लाई कर सकते हो। और जैसे हम वैक्स वगैरह कराते हैं या फिर हम लोग रेजर करते हैं तो उसके बाद हमारी स्किन यूजली ड्राई हो जाती है, तो इसको अगर आप अप्लाई करके और सर्कुलर मोशन में अगर आप रब करते हो और विद इन सेकेंड्स आपकी स्किन ना सॉफ्ट हो जाती है, देखो, और मॉइस्चराइज हो जाती है। 24 आवर्स तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। तो ये है मेरा फेवरेट बॉडी बटर। और नेक्स्ट जो मेरी परचेज है वो आप सबको पसंद आने वाली, क्योंकि समर्स आ रहे हैं और समर्स में ना यूजली सबको ना ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हो जाते हैं नोज के आसपास पे, और वो क्लीन कराने के लिए हमें या तो सलॉन्स पे जाना पड़ता है या फिर हम जो भी प्रोडक्ट्स करते हैं उनसे इजिली होता नहीं। लेकिन आज मैं आपको जो दिखाने वाली ना, भाई साहब मजा ही आ जाएगा।
ये मिनीसो से मैंने परचेज किया है, ये है डीप क्लींजिंग नोज स्ट्रिप्स। और मेरे जो व्लॉग में मैंने इसको यूज किया है वो व्लॉग भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक करना, उस पर मैंने प्रॉपर इसको यूज किया है। मेरे ब्लैकहेड्स नहीं थे, मुझे लग भी नहीं रहा था कि मेरे ब्लैकहेड्स हैं, मैंने बस इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज किया। लेकिन 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 जब मैंने इसको उतारा तो भाई साहब इतने सारे व्हाइटहेड्स निकले थे, नोज एकदम 99% क्लीन कर देता है। तो मैं अभी आपको यूज तो करके दिखाऊंगी नहीं, आप वो ब्लॉग चेक कर लेना। और ये मतलब 170 का है, आई गेस 170 के 10 हमें मिलते हैं स्ट्राइप्स, तो ये बेस्ट परचेज है, आप इसको यूज कर सकते हो इजिली एट योर होम। नेक्स्ट जो है वो है मामा अर्थ की ये बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम। ये मैं यूज कर रही हूँ इसलिए ओपन यूज कर चुकी हूँ इसलिए ये खुला हुआ है। तो जिनको भी ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है या आ चुकी है वो इसको यूज कर सकते हैं। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी थोड़ी थोड़ी ब्लेमिशेस आ रही है तो मैंने ये ऑर्डर की। और ये है मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी एक्सट्रैक्ट के साथ। और इसके साथ साथ अगर आप टोमेटो जूस या रो पपाया का जूस अप्लाई करेंगे तो वो भी आपकी ब्लेमिशेस को बड़ी ईजिली रिमूव करने में हेल्प करता है, यानी कि लाइट हो जाती है। तो ये मस्ट बाय है, मुझे इससे काफी ज्यादा मतलब अपनी स्किन अच्छी होती हुई दिख रही है। अभी मेरे को यूज करते हुए 10 दिन ही हुए हैं, आपको इसको ऐसी मतलब 10-15 दिन तो कम से कम यूज करनी है कि आपको रिजल्ट पता लगे। तो ये है मामा अर्थ की बाय बाय ब्लेमिशेस क्रीम, होपफुली आपकी ब्लेमिशेस भी बाय बाय हो जाएंगी इससे। नेक्स्ट जो है वो है मिनी सो का ये मेकअप रिमूवर, फ्लोरल फॉर्मिंग क्लींजर मेकअप रिमूवर और क्लींजर मिक्स है। तो ये प्रोडक्ट है जो कि मेकअप रिमूवर भी है और क्लींजर भी है, तो ये वर्थ बाय है, मतलब 250 समथिंग का है ये, आई गेस मैं डाल दूंगी कितने का है। तो इतने में अगर आपको दो चीज मिल जाए तो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। ये थी मेरी बेस्ट 10 परचेजेस जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको ऐसी वीडियोस भी पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना ताकि मैं व्लॉग्स के साथ साथ ऐसी वीडियोस भी जो आपको गाइड भी कर सके और प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन नॉलेज भी दे सके मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इंदु बजाज। बाय।